एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। जैसे बारिश के रिमझिम बरसने लगी, ऐसे गुरुवर की वाणी भी झरने लगी। आज की इस भौतिक युग में चारों ओर बहुगवाद का, भौतिकवाद का, चकाचौंध का बोलबाला है। सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी व्यक्ति आनंद, शांति, सुख, समृद्धि की तलाश में है, वो नहीं मिल सकता, वो मिलेगा भी नहीं, मिल ही नहीं सकता। पानी को बिलोया जाए तो मक्खन कैसे निकल सकता है, रेत को बिलोया जाए तो तेल कैसे निकल सकता है। बस प्रभु की वाणी का एक सूत्र, एक सूत्र। प्रभु महावीर कैसे थे और हम कैसे हैं, आईना आपके सामने है, तुम आईने में अपनी तस्वीर देखते हो तो जहाँ भी दाग लगा होता है हम दूर कर लेते हैं। वो तस्वीर अपने भीतर देखो, दाग भीतर है, हम चेहरे को साफ करते रहते हैं, हम आईना को साफ करते रहते हैं, बस यही गलती होती चली जाती है। हम अपने स्वयं के भीतर देखें, जाने और समझें कि मैं कौन हूँ। तीन ही प्रश्न हैं, तीन ही समस्याएं हैं और समाधान भी तुम्हारे भीतर है, बस भीतर जाने की बात है। सत्संग करो, सत्संग सुनो, प्रवचन सुनो, स्वाध्याय करो, प्रार्थना करो, आराधना करो, तप करो, ध्यान करो, पर एक बात को मत भूलो कि कर कौन रहा है। क्या मैं तप कर रहा हूँ, क्या मैं दान दे रहा हूँ, क्या मैं प्रवचन कर रहा हूँ, क्या तुम संग चला रहे हो, यही भ्रांति खड़ी होती है जीवन में। सबसे भ्रांति यही है कि मैं कर रहा हूँ, ये अज्ञान। यदि मैं कर रहा हूँ इसका मतलब महावीर की आत्म दृष्टि उपलब्ध नहीं हो। तुम कर रहे हो, तुम दुकान चला रहे हो, तुम घर चला रही हो, तुम संघ की सेवा कर रहे हो। क्यों भाई, क्यों चला रहा है ये संघ, तुम चला रहे हो, मैं चला रहा हूँ। पूछो अपने आप से, भीतर पूछो, जानो कौन कर रहा है ये। यदि इसके पीछे भी करने के बाद आपके भीतर रत्ती भर भी चाहना है मैं कर रहा हूँ, कहीं मेरा नाम आ जाए, कहीं मुझे लोग जाने, तो समझो जो शुद्ध धर्म है आपके भीतर वो अभी तक नहीं आया। शुद्ध धर्म का मतलब यही है कि सबका सहयोग, मैं अकेला कुछ कर ही नहीं सकता। क्या तुम श्वास ले सकते हो, बोलो। श्वास तुम्हारी मर्जी से आता है, बोलो। भोजन तुम ग्रहण करते हो, तुम पचाते हो, बोलो। खून बनता है, अस्थि मज्जा रस निकलता है, तुम्हारी मर्जी से होता है, बोलो। किसान बीज डालता है भूमि के अंदर, किसान चाहे कि बीज वृक्ष बन जाए, उसकी मर्जी से बीज वृक्ष बन जाता है, और सारे बीज कभी वृक्ष बने हैं, पूछो। तुम कहते हो कि मैंने बेटे को जन्म दिया, माँ कहती है, पिता कहते हैं मैंने बेटे को जन्म दिया, मेरा बेटा तुम्हारा बेटा है, पूछो, स्वयं से पूछो।
पूछो स्वयं से, तुम्हारा बेटा है? महावीर की दृष्टि हर कदम से मिलाने की है। दृष्टि मिल गई, ज्ञान आ गया, ज्ञान आ गया तो आचरण आ गया, आचरण आ गया तो मोक्ष आ गया। नाने ने जाने भावी, दंसने ने असध्ये, चरितेन निग्न ही तवेन प्रसिज्जई। ज्ञान से मनुष्य जानता है। अब किसको जानता है? अब प्रश्न है, ज्ञान क्या है और जानना क्या है? शब्द तो वही है, प्रभु ने फरमा दिए, लिख दिए शास्त्र में, पर क्या ज्ञान और क्या जानना और किसको जानना और किसके लिए जानना, इसका अभिप्राय क्या है? दो शब्द भी आपके जीवन में आ जाए। ज्ञान से जानना, यदि ज्ञान आ गया, ज्ञान स्वयं पर प्रकाशित है। ज्ञान पहले स्वयं को जानता है, फिर पर को जानता है। महावीर को केवल ज्ञान हुआ, उन्होंने स्वयं को जाना, निज को जाना। निज को जानने के बाद वो जिन बन गए, अरहत बन गए, केवली बन गए, तीर्थंकर बन गए, सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। और इसके साथ पर को जाना, तीनों लोकों को जान लिया। एक को जानने पर तीनों लोकों को जान सकते हैं, और तीनों लोकों को जानने बाद सारे ब्रह्मांड को जान सकते हैं। वो जानना जो महावीर ने जाना। क्या आपके भीतर प्यास जागी? तीसरा सूत्र आप सुन रहे हो, आत्मदर्शी खेत के ज्ञाता, महामुनि वीर थे, कर्म दल के नाश करने से कुशल धीर थे। कर्म दल के शत्रुओं को नाश करने वाले महायोद्धा सेनापति थे। वो ऐसे थे तो मैं कैसा हूं? ज्ञान दर्श था अनंत, अनंत कीर्तिमान वितान था। नयन पथगत लोकपति का धर्म धैर्य महान, तमान धैर्य। क्या वो धैर्य मेरे और आपके भीतर है? पूछो प्रश्न, पूछो, पूछी सुनंग, पूछो, बूझो और जानो। एक शब्द पूछना और बूझना और गहरे उतर जाना काफी है। यही सूत्र काफी है। चक्षु दे आनंद, चक्षु देने वाले। क्या आपको आंखें देते हैं महावीर सबको? क्या महावीर डॉक्टर हैं, सबका ऑपरेशन करके सबको आंखें दे देंगे? चक्षु दे आनंद, चक्षु देने वाले, ज्ञान का नेत्र खोलने वाले, अवर्ण हटाने वाले। हे प्रभु, आप चक्षु देने वाले, आप अंधकार को दूर करने वाले, आप सब कुछ समझने वाले। चक्षु दे आनंद, चक्षु देने वाले। कौन से चक्षु? भीतर की आंख, बाहर की नहीं, भीतर की। बाहर की दृष्टि नहीं, भीतर की दृष्टि। बाहर का ज्ञान नहीं, भीतर का ज्ञान। बाहर का सौंदर्य नहीं, भीतर का सौंदर्य। बाहर की शक्ति नहीं, आत्म शक्ति। तुम कितना बल इकट्ठा कर लो, सेना इकट्ठी कर लो, चक्रवर्ती की सेना इकट्ठी हो जाए, पर आत्म बल नहीं है तो कुछ नहीं। ये मैं बोल रहा हूं, इसके पीछे कौन है? ये हाथ हिला रहा हूं, इसके पीछे कौन है? ये चल रहा हूं, इसके पीछे कौन है? यदि वो आत्म बल ना हो तो हाथ हिल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, खा नहीं सकते, कुछ नहीं सकते। वो है आत्मा। बार बार शब्द आएगा आत्मा। तुम नाराज मत हो जाना कि आचार्य जी एक ही बात कहते हैं बार बार, लोग नाराज भी मेरे से होते हैं। हो जाओ, क्या फर्क पड़ता है? यदि इससे भी नाराज हो गए तो मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। दुनिया एक तरफ और महावीर की आत्मदृष्टि एक तरफ। जिसने महावीर की आत्मदृष्टि को पा लिया, सब पा लिया, और दुनिया को रिझाने लग गए तो हम भी बह जाएंगे साथ में। एक मैं बार बार कहता हूं, जब तुम मां के गर्भ में आए थे, मां को शिक्षा देनी चाहिए, बेटे तुम आत्मा हो। गर्भ से मां संस्कार दे बच्चों को, और जब बच्चा दूध पीने लगे तो मां कहे, बेटे मैं तेरे शरीर की मां हूं, तेरी मां तो जिनवानी है, तेरे पिता
अरिहंत परमात्मा है, बार बार माँ शिक्षा दे। शरीर का पोषण करती है माँ और पिता, आत्मा का पोषण कौन करता है? वो तीर्थंकर भगवान की वाणी, अरिहंत प्रभु की वाणी, उससे आत्मा का पोषण होता है। तुम शरीर का पोषण करती हो, सुबह आते ही नाश्ता कर लेती हो, क्या कभी सोचा कि आत्मा का पोषण करना है मैंने? चले, आत्मा का पोषण करने के लिए सुबह उठो, भगवान को वंदन करो और बैठ जाओ एक आसन पर, क्या हो जाएगा? मन नहीं लगेगा ना। पहले दिन बड़ी उथल पुथल हुई, किसी का भागने को मन करा, खुद बोलते हैं वो कि भाग जाए, 3 घंटे के अंदर कोई रास्ता नहीं मिल रहा, क्योंकि मोबाइल बंद कर दिया, जाना बंद कर दिया, हम भागने देते नहीं किसी को, ऑपरेशन होता है, फिर बाद में कहते हैं हम तो भाग रहे थे, हमारा तो मन नहीं लग रहा था, घबराहट हो रही थी, ऐसा हो गया था। दूसरे दिन शांत, सब शांत हो गए, और युवक बोलने लगे, जो पढ़े लिखे युवक अपने आप को समझते हैं कि मैं समझता था कि सुख शांति समृद्धि तो ब्रांडेड कपड़े पहनने में है, सूटेड बूटेड होने में है, सैर करने में है, होटलों में खाना खाने में है, अपने आप को डिग्री हासिल करने में है, परंतु वो कुछ भी नहीं, वो शांति तो 2 दिन के ध्यान शिविर में भीतर मिल गई। और कुछ कहने लगे, जब वीतराग साधी का निशा जी की आलोचना हुई तो अंदर के कर्म मल धूल गए। केवल 2 दिन के, 24 घंटे में व्यक्ति बदलता है, 24 घंटे में तुम बदल सकते हो। एक भीतर की दृष्टि, आत्म दृष्टि, आत्म ज्ञान, जो यहां हम कह रहे हैं ये थ्योरी है, इसे तुम्हारा जीवन नहीं बदलेगा, बदलेगा एक्सपेरिमेंट करने के बाद। एक साइंटिस्ट, चाहे वो एडिसन है, चाहे वो कोई भी है, आइंस्टाइन है, वो पहले थ्योरीज बनाते हैं, फिर प्रैक्टिकल करते हैं, फिर सामने आता है। ऐसे जीवन प्रयोगशाला बनाओ अपनी, सुबह उठते ही 1 घंटा ध्यान करो, और सबने संकल्प लिया कि 1 घंटा तो ध्यान करेंगे ही हम। तो बहुत से लोग बदले हैं, इसमें मैंने कुछ नहीं किया कि मैंने ध्यान करवा दिया, यही व्यक्ति का अहंकार है, समझे? बड़े बड़े साधु मुनिराज समझते हैं मैंने ध्यान करवा दिया, मैंने चमासा करा दिया, मैंने मांस खमन कर दिए, मैंने कुछ नहीं किया, या मांस खमन 15 हुए 20 हुए, मैं क्रेडिट क्यों लो भाई? मांस खरने वाली बहने और मैं, कुछ शिव मुनि ने मांस खमन करवा दिया, ये पागलपन, इससे बड़ा पागलपन क्या होगा? करने वाली वो, और हम तो केवल पचकान करवाते हैं, तो मेरे मांस खमन हो गए, और पेपरों में आता शिमुनी के चतुर्मास में 20 मास खमन हो गए, 2000 पौषद हो गए, इतनी तपस्या हो गई, ये सब पागलपन की बातें। मेरी बातें शायद बुरी लग सकती हैं, आप कोई बुरी लगेगी, सत्य यही है, धर्म करवाता है, ना मैं करता हूं ना तुम करते हो, धर्म करता है। सबसे ऊंचा है धर्म का दान, सब दानम धम्म दानम, सब रसम धम्म रसम, सबसे ऊंचा है धर्म का दान और सबसे ऊंचा है धर्म का रस। धर्म का रस जब भीतर आता है, सारे रस फीके पड़ जाते हैं, और तुम धर्म का दान दो, ये धर्म का दान है। चाहे शास्त्र का स्वाध्याय करवाओ, चाहे ध्यान करवाओ, चाहे तप करवाओ, चाहे प्रवचन करवाओ, या तुम अनुमोदना भी करते हो, उसमें भी महान कर्मों की नजर है, पर मैंने किया ये काट दो, ये काट दो। धर्म यहां से शुरू होता है, जब मैंने किया से फल तो मिलेगा, वो क्रिया हो गई, तुम पुण्य बांधोगे फिर पीछे आओगे, तुम देवलोक में चलोगे फिर नीचे आओगे, पर मैंने कुछ किया नहीं, करने वाला प्रभु सब तेरी कृपा। सनातन धर्म में कहते हैं परमात्मा करता है, उसके बिना पत्ता नहीं हिलता, सब और परमात्मा ही परमात्मा है। हम कहते हैं परमात्मा ही परमात्मा, वायु के झोंके में परमात्मा, पत्ते पत्ते में परमात्मा, जल का एक जीव में परमात्मा, तुम में परमात्मा, मुझ में परमात्मा। जब आत्मा है तो परमात्मा है, सब में आत्मा है तो आत्मा में परमात्मा, में आत्मा में केवल ज्ञान है, आत्मा में अरिहंत है, आत्मा में सिद्ध है, दूध है, दूध में मक्खन भी है, घी भी है, मलाई भी है, सब कुछ है, दूध नहीं तो कुछ नहीं, ऐसे आत्मा है तो सब कुछ। एक आत्म तत्व को जानो बूझो, सब मिल जाएगा। तो मैं कह रहा था सुबह उठो, उठ करके प्रभु को वंदन करो, अपने माता पिता गुरु को नमन करो, फिर बैठ जाओ 1 घंटा
एक समय करो, शुरू करो, मन नहीं लगेगा, बैठ जाओ शांति से ध्यान करो। धीरे धीरे ध्यान करते करते मन शांत हो गया, शांति भीतर से आने लगी। मैंने पूछा, बताओ शांति कहां से आई? हमने कोई भोजन नहीं खिलाया उनको, हमने कोई पिक्चर नहीं दिखाई उनको, हम कोई घुमाने नहीं ले गए। शांति भीतर है, आनंद भीतर है, ज्ञान भीतर है। स्वयं को जानो, ज्ञान भी तुम्हारा स्वभाव है। ज्ञान आप पैदा ही लेकर के पैदा हुए हो, इसको प्रकट करना है। बच्चा सब कुछ लेके आता है, अपने पूरे जन्म के संस्कार लेके आता है, और माता पिता उसका संवर्धन करते हैं। माता पिता बच्चे की किस्मत को नहीं बदल सकते, वो तो लेके ही आता है। बीज जैसा होगा वो जमीन से रस खींच लेगा। मिर्च का बीज होगा तो मिर्च बनेगा, आम का बीज होगा तो आम का रस ले लेगा, अंगूर का होगा तो अंगूर ले लेगा, गन्ने का होगा तो गन्ना बन जाएगा, कब बबूल का होगा तो बबूल बन जाएगा, सेब का होगा तो सेब बन गया। वही जमीन, वही भूमि, वही पानी, वही सूरज, वही खाद, पर जमीन सबको दे देती है सब रस। जैसा बीज वैसा रस खींच लेता है, जैसा तुम्हारी दृष्टि वैसे तुम बन जाते हो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पानतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहू लोग उत्तम, केवली पानतो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं भवन्तु, अरहंते शरणं भवन्तु, सिद्धे शरणं भवन्तु, साहू शरणं भवन्तु, केवली प्रणतं धम्मं शरणं भवन्तु, चारै शरणं दुःखहरण जगत मे, झिम बरसने लगी ऐसे गुरुवर की वाणी भी झरने लगी।